टोटल सेविंग जो है वो डिटरमिन होती है सेविंग रेट से स्मॉल एस इज द सेविंग रेट कैपिटल एस इज द टोटल सेविंग और एस इज कांस्टेंट सेविंग रेट इज कांस्टेंट सो जस्ट सेविंग को डिटरमिन करना था सोलो मॉडल में जैसे आपको याद होगा कि सेविंग कैसे था स्मॉल एस टाइम्स वाई सो वाई की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं

डी के मीन्स नेट चेंज इन कैपिटल स्टॉक ओके और सेकेंड पार्ट उसका है डेप्रिसिएशन कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है जब हम इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेंगे तो ये इसमें डेप्रीसी होगी तो उस डेप्रीसीन को भी हमने रिप्लेस करना है सो so सेकेंड जो कंपोनेंट है वो उस रिप्लेसमेंट को दाहर करता है और फर्स्ट जो है वो उसमें नेट एडिशन को और आई जो है इट इज़ योर इट इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओके डी के इज़ द नेट इन्वेस्टमेंट और इसमें जब आप डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो इट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और क्लोज इकोनॉमी में क्या है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर होती है तो हमने इन्वेस्टमेंट डेट इज डी के कैपिटल डी के प्लस स्मॉल डी के ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ कैपिटल डी से मुराद चेंज इन कैपिटल ओके स्मॉल डी जो है ये हमारा डिप्रिसिएशन रेट है सो दिस शुड बी इक्वल टू द टोटल सेविंग और सेविंग को अभी हमने ऊपर डिफाइन किया कि दिस इज इक्वल टू एस टाइम्स वाई एंड वाई इज इक्वल टू ए के सो इसके इम्प्लीकेशन्स क्या हैं इम्प्लीकेशन ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन क्या थी कि दिस इज द इन्वेस्टमेंट दिस इज सेविंग ओके और इस इक्वेशन को अगर हम के से डिवाइड करें थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा के से डिवाइड करने से डी के ओवर के ये आ जाएगा ठीक है और एस ए के को जब के से डिवाइड करेंगे तो के कैंसल हो जाएगा एस ए बच जाएगा आपके पास और डी के को के से डिवाइड करेंगे तो डी रह जाएगा और डी को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो डी के ओवर के ये क्या है ग्रोथ रेट डी के ओवर के क्या है हम बात कर चुके हैं बार बार दिस इज द ग्रोथ रेट चेंज इन कैपिटल ओवर द इनिशियल लेवल ऑफ सो लेफ्ट हैंड साइड पर डीके ओवर के इज द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल दिस इज इक्वल टू एस इन टू ए एस इज द सेविंग रेट ठीक है माइनस डी डी इज द डेप्रीसी रेट सो ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू एस ए माइनस डी ओके सिंस आउटपुट इज परपोर्शनल टू द कैपिटल हमने देखा कि आउटपुट जो है वो कैपिटल आउटपुट अब हमारा मॉडल क्या था वाई इज इक्ल टू ए टाइम्स के सो ए इज़ कांस्टेंट सो जिस प्रोपोर्शन से के चेंज होगा उसी प्रोपोर्शन से वाई चेंज होगा सो आउटपुट इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ओके सो जिस जो फिर कैपिटल का ग्रोथ रेट होगा वही आउटपुट का ग्रोथ रेट होगा तो so हम डी के ओवर के को रिप्लेस कर रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट के साथ सो ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट अब किसके इक्वल हो गया एस ए माइनस डी राइट तो आउटपुट का ग्रोथ रेट ये अब किससे डिटरमिन हो रहा है सेविंग रेट अगर सेविंग रेट में चेंज आएगी तो दिस विल चेंज द ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ओके और ये अगर आप रिकॉल करें तो ये सोलो मॉडल से ये डिफरेंट रिजल्ट है सोलो मॉडल में सेविंग रेट को चेंज करके आप आउटपुट को परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते थे आउटपुट का ग्रोथ रेट आप चेंज नहीं कर सकते थे फॉर ट्रांजिशनल पीरियड चेंज आती थी बट परमानेंटली आप इकॉनमी जब स्टडी स्टेट पर आ जाती थी तो वो दोबारा अपने ओरिजिनल ग्रोथ रेट पर आ जाती थी तो जबकि एंडोजिनस ग्रोथ मॉडल के मुताबिक सेविंग रेट जो है ये आउटपुट का इकॉनमी का लॉन्ग रन ग्रोथ रेट डिटरमिन कर रहा है बेसिक शुरू में मैंने आपको बताया था कि सोलो ग्रोथ मॉडल में उसके मुताबिक भी यही है कि लॉन्ग रन में ग्रोथ रेट डिटरमिन होता है बाय द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट लेकिन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट को सोलो मॉडल में एज एन एक्जोजिनस वेरिएबल लिया गया था मॉडल उसे एक्सप्लेन नहीं करता था कि प्रोडक्टिविटी किस तरह से ग्रो होगी जबकि यहाँ हमने देखा कि एंडस ग्रोथ मॉडल में ग्रोथ रेट जो है वो एंडोजिनसली डिटरमिन हो रहा है और सेविंग रेट उसको डिटरमिन कर रही है सो द ग्रोथ रेट डिपेंड्स ऑन द सेविंग रेट और जब ये सेविंग रेट पर डिपेंड करता है तो फिर इसका मतलब इसमें ये भी इसका प्लस पॉइंट है कि पुअर कि कंट्रीज़ हैं और उनकी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बना सकती हैं जिसके नतीजे में वो सेविंग रेट को अफेक्ट करके अपनी इकॉनमी के लॉन्ग रन ग्रोथ रेट को वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं थैंक यू वेरी मच